धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जहां एक ओर सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, वहीं दूसरी ओर अल्मोड़ा में आस्था और पर्यटन की दृष्टि से मशहूर प्रसिद्ध चितई मंदिर के पास लाखों रुपए की लागत से बना शौचालय खुद बदहाली के आंसू रो रहा है। बाहर से बिल्कुल ठीक दिखने वाला है शौचालय, अंदर गंदगी से पटा हुआ है, जिससे ऋतुधालु व पर्यटकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई लोग मजबूरन खुले में शौच कर रहे हैं, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को पलीता लग रही है। वहीं शौचालय साफ नहीं होने से सबसे अधिक महिलाओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में सवाल यह है कि चितई मंदिर में नजदीक खुले में शौच कर फैलाई जा रही गंदगी का जिम्मेदार कौन है? अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। ये आपके द्वारा मेरे संज्ञान में लाया गया है। चितई में पानी का कनेक्शन की पहले समस्या थी, उसको रिजॉल्व कर दिया गया था। अभी वहाँ सफाई कर्मचारी की एक समस्या मेरी नॉलेज में आई है, तो उस पर भी हम लोग शीघ्र समाधान करेंगे। प्रशासन ने लाखों रुपए की लागत से शौचालय का निर्माण कराया, दो बार इसमें पैसा लग चुका है। पहले तो पानी की व्यवस्था नहीं थी, अभी पानी की यहाँ सेपरेट व्यवस्था की गई है, लेकिन सफाई कर्मचारी के ना होने की वजह से शौचालय गंदगी से पटा हुआ है। मैं प्रशासन से विशेष अनुरोध करना चाहूँगा कि एक सफाई कर्मचारी की यहाँ नियुक्ति करे, जिससे साफ सफाई का ध्यान रखा जाए। टूरिस्ट को भी काफ़ी दिक्कत। जी हाँ, टूरिस्ट तो बहुत परेशान हो गया क्योंकि शौचालय की व्यवस्था नहीं है। अगर हम किसी टूरिस्ट से बोलते हैं कि शौचालय के लिए जाइए, वो उल्टा हमसे लड़ना आता है कि आपने हमें कहाँ भेज दिया इतनी गंदगी में।